जिस तरह की नाराजगी दिखाई दे रही है किसानों के अंदर, नौजवानों के अंदर, व्यापारियों के अंदर, हर वर्ग के लोग जिस तरीके से समर्थन में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या लगता है 2022 में समाजवादी पार्टी चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी? हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। सर उबेसी पार्टी के लिए नुकसान तो नहीं साबित होंगे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ चुनाव के समय तमाम राजनीतिक दल आते हैं 2022। लेकिन समाजवादी पार्टी का लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना, लेकिन और दलों का लक्ष्य क्या है ये सबसे बड़ा सवाल है। सर 22 चुनाव से पहले चाचा शिवपाल क्या पार्टी में आएंगे? गठबंधन होगा? गठबंधन के लिए मैंने कहा कि उनके सम्मान रखने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कल जो आपका कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के दौरान आपके आने के एक घंटे पहले से बिजली कट गई थी, उसको लेके क्या कहेंगे? आज मैंने सुना है कि बहुत सरकार महंगी बिजली खरीद रही है। सरकार को अपनी सरकार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है तो कौन सा हिसाब बना रहे हैं लोग? तो इसका मतलब दिल्ली को वोट नहीं दिया जनता ने, दिल्ली को भी वोट दिया जनता ने, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी वोट दिया, तो दिल्ली की सरकार को कम से कम फ्री बिजली उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए।